गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम भारत के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले लिया था हिमालय पर्वतीय प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश का विस्तार मुख्यतः उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है, और हिमालय पर्वतीय प्रदेश का हमने सबसे पहले तो भौगोलिक वर्गीकरण किया था, जिसमें हमने ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियों का अध्ययन किया। इसके बाद हमने हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किया, जिसके अंतर्गत हमने इसमें पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय का अध्ययन किया। आज का जो अपना टॉपिक है वो है उत्तर का विशाल मैदान, जो भारत के भौतिक प्रदेशों में दूसरा प्रमुख प्रदेश आता है। उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर के विशाल मैदान का मुख्यतः जो विस्तार है हिमालय पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण में और प्रायद्वीप के पठारी प्रदेश के उत्तर में, या हम यूं कहें कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश और प्रायद्वीप के पठारी प्रदेश के मध्य उत्तर के विशाल मैदान का विस्तार पाया जाता है। और इस मैदान में जो निर्माण हुआ है वो हुआ है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। इस मैदान की जो कुल क्षेत्रफल है वो है 7.50 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये यूं कहेंगे 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में उत्तर के विशाल मैदान का विस्तार पाया जाता है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 2400 किलोमीटर, यानी उत्तर के विशाल मैदान की जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम तक लगभग 2400 किलोमीटर है। इसका जो चौड़ाई है पश्चिमी क्षेत्र में तो इसकी चौड़ाई है 500 किलोमीटर, जबकि पूर्वी क्षेत्र में इसकी चौड़ाई है 150 किलोमीटर, या हम यूं कह सकते हैं कि पश्चिमी क्षेत्र में ये अधिक चौड़ा है जबकि पूर्वी क्षेत्र में ये संकरा मैदान है। इसके अलावा यहाँ जो कांप मिट्टी का जमाव है वो 1000 मीटर से लेकर 2000 मीटर की गहराई तक पाया जाता है, यानी इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 7.50 लाख वर्ग किलोमीटर, इसकी जो कुल लंबाई है वो है लगभग 2400 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई है पश्चिम में तो 500 किलोमीटर, पूर्वी क्षेत्र में इसकी जो चौड़ाई है 150 किलोमीटर, और यहाँ कांप मिट्टी का जो जमाव पाया जाता है वो 1000 से 2000 मीटर की गहराई तक पाया जाता है। राज्यों की दृष्टि से इसका जो विस्तार है वो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल व असम राज्यों में पाया जाता है। इससे आगे उत्तर का जो विशाल मैदान है ये एक प्रकार से सबसे उपजाऊ मैदान है और यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या भी पाई जाती है। उत्तर के विशाल मैदान में भारत की 45% जनसंख्या निवास करती है, यानी उत्तर का जो विशाल मैदान है सबसे विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है और एक प्रकार से घना बसा मैदान है जहां भारत की लगभग 45% जनसंख्या निवास करती है। अब उत्तर के जो विशाल मैदान है इसको बनावट के आधार पर, इसके अलावा ढाल या यूं कहेंगे मृदा के आधार पर इसको मुख्यतः हम कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। ये तो है आपका हिमालय पर्वतीय प्रदेश, इसके बाद आ जाएगा आपका भावर प्रदेश, इसके बाद आ जाएगा तराई प्रदेश, इसके बाद आ जाएगा जलोढ़ मृदा प्रदेश।
ठीक है। फर्स्ट आता है आपका भावर प्रदेश। भावर जो प्रदेश है उसका विस्तार हिमालय पर्वतीय क्षेत्र और सतलज गंगा के मैदान के मध्य पाया जाता है। भावर प्रदेश का जो विस्तार है हिमालय पर्वतीय प्रदेश, इसके अलावा सतलज गंगा के मैदान के मध्य में पाया जाता है और यहाँ मुख्यतः कंकड़ पत्थरों द्वारा निर्मित जो ढका हुआ प्रदेश है उसे भावर प्रदेश के नाम से जानते हैं। और इसकी जो चौड़ाई है वो मानी गई है 10 से 15 किलोमीटर। या हम यूं कहें कि कंकड़ पत्थरों से जो ढका हुआ प्रदेश है उसे भावर प्रदेश के नाम से जानते हैं। यहाँ जो छोटी नदियां हैं वो इस भावर प्रदेश में विलीन हो जाती हैं, जबकि जो बड़ी नदियां हैं वो ही केवल सतह के ऊपर प्रवाहित होती हैं। ठीक है। सेकंड आता है आपका तराई प्रदेश। तराई प्रदेश का विस्तार भावर प्रदेश के ठीक दक्षिण में पाया जाता है। जो भावर प्रदेश से निकलने वाली नदियां हैं वो कई शाखाओं में होकर प्रवाहित होने लगती हैं, जिससे तराई प्रदेश का निर्माण होता है। ये एक प्रकार से दलदली क्षेत्र है। इसकी जो चौड़ाई है वो है 15 से 30 किलोमीटर। ठीक है। थर्ड आता है आपका जलोढ़ मृदा प्रदेश, जिसको मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है बांगर प्रदेश जिसे हम या यूं कहें कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित मैदानी क्षेत्र को तो बांगर प्रदेश के नाम से जानते हैं, जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंचता। ठीक है। इससे आगे आता है खादर प्रदेश। खादर प्रदेश में वो क्षेत्र है जहां नवीन जलोढ़ मृदा द्वारा निर्मित मैदानी प्रदेश को खादर प्रदेश के नाम से जानते हैं। या यूं कहें कि जिन क्षेत्रों में नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है उसे खादर प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हमने आज उत्तर के विशाल मैदान का अध्ययन किया, जिसको धार में मिट्टी के आधार पर मुख्यतः हमने चार भागों में भावर प्रदेश, तराई प्रदेश, भावर प्रदेश का जो विस्तार है हिमालय पर्वतीय प्रदेश तथा उत्तर के विशाल मैदान के मध्य में पाया जाता है। ये कंकड़ पत्थरों के से निर्मित मैदानी प्रदेश है, जिसमें नदियां विलीन हो जाती हैं। छोटी नदियां बड़ी नदियां सतह के ऊपर प्रवाहित होती है। इसकी जो चौड़ाई है 10 से 15 किलोमीटर है। तराई प्रदेश भावर प्रदेश से निकलने वाली नदियां विभिन्न शाखाओं में विभक्त हो जाकर एक प्रकार से दलदल का निर्माण करती है, उसे तराई प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसकी जो चौड़ाई है 15 से 30 किलोमीटर है। बांगर प्रदेश पुरानी जलोढ़ मृदा द्वारा निर्मित प्रदेश को बांगर प्रदेश के नाम से जानते हैं, यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। खादर प्रदेश नवीन जलोढ़ मृदा द्वारा निर्मित मैदानी प्रदेश को खादर प्रदेश के नाम से जानते हैं, यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता रहता है, जिससे नवीन मृदा का निर्माण होता है। ठीक है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।